अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कैमरा वॉच का रिव्यू करेंगे। ये कैमरा वॉच है, इसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैमरा वॉच को आपने हमेशा पॉजिटिव यूज़ करना है, ठीक है। इसका नेगेटिव यूज़ नहीं करना। पॉजिटिव यूज़ इसका ये है कि आप जब भी किसी के साथ डीलिंग करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, या आप किसी के साथ कुछ सीक्रेट मीटिंग करते हैं और बाद में आपको ऐसा डर हो कि हो सकता है कि ये बंदा अपनी बात से मुकर जाए, तो इस सारी सूरत हाल में आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि जो कि रिकॉर्डिंग भी कर सके, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सके, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको ये काम आ सके। मोबाइल में ये होता है कि आप किसी की ईजी होकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी की आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको मोबाइल इस तरह रखना पड़ेगा, कैमरा उसका उस तरफ होना चाहिए अगर सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, या फिर आपको फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ेगा तो अगले बंदे को शक पड़ सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन जो है वो आपके पास ये कैमरा वाली वॉच है। इसको आप यहाँ पे बांध कर जहाँ पे मर्जी इसको घुमाएं, कोई किसी को शक नहीं होगा। इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो भी किसी को नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप रात को भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें इंफ्रारेड का ऑप्शन भी मौजूद है और बैटरी टाइमिंग भी इसकी तकरीबन 3 घंटे है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपने इसको नेगेटिव यूज़ नहीं करना, पॉजिटिव ही यूज़ करना है। तो दोस्तों ये है कैमरा वॉच। ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इसको पैक किया है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंदर से देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी मैं स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देता हूँ। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये एक चीज़ आती है, इसको तो हम निकाल देते हैं, इसको निकाल के और ये हम साइड पे कर लेते हैं। सबसे पहले इस वॉच के 5 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप दबा के रखेंगे तो वॉच का कैमरा ऑन होता है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इससे आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो इसका माइक है, ठीक है, इसके थ्रू इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये असल में तस्वीरें खींचने के लिए होता है, मतलब कि फ़ोटो बनाने के लिए होता है। और ये जो इसका 5वां पॉइंट है, इसको आप खोलें तो इसमें आप देखेंगे इसमें होल है, इसमें ये हम पिन लगाते होते हैं। ये असल में एक तो इसकी चार्जिंग करने के लिए और दूसरा जो है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप इसका डाटा जो है वो PC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको हम लगा के आपको दिखा देते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर लगाएँ, ये देखें ये मुकम्मल तौर पे लग चुका है, ठीक है। इसको हम अगर PC के साथ लगाएंगे, लैपटॉप के साथ लगाएंगे, तो इसकी एक तो चार्जिंग होगी और दूसरा ये है कि आप इसका सारा डाटा अपने PC में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम आपको बाद में करके दिखाएंगे। अब ये हो सकता है आप सोच रहे होंगे इसका कैमरा कौन सा, या ये वाला कैमरा है या ये है, ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। आपके जहन में तो यही होगा कि ये वाला कैमरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन असल में वो इसका कैमरा नहीं है, इसका कैमरा ये वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो बटन है ना, इससे कैमरा जो है वो ऑन होता है, वॉच का कैमरा ऑन होता है। इसको आपने इसको प्रेस करके रखना है, तकरीबन 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। अब ये लाइट ऑन हुई है, इस लाइट के ऑन होने का मतलब ये है कि कैमरा ऑन हो चुका है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने कोई तस्वीर बनानी है तो आपको ये वाला जो बटन है ना, इसको आपने प्रेस करके रखना है। रेड लाइट ऑन होगी, ये देखें रेड लाइट ऑन हुई और ये साथ में इंफ्रा रेड लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है। ये लाइट्स जो हैं, अगर आप कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं तब भी ऑन हो जाती है। इस बटन के दबाने से एक तो तस्वीर बन गई और दूसरा ये है कि इसकी इंफ्रा रेड लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। अब इंफ्रा रेड लाइट्स जो है ना, ये रात के वक्त अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो इससे वीडियो बन सकती है। अभी ये इसकी इंफ्रारेड लाइट्स ऑन है, इसको ऑफ़ करने का तरीका ये है कि आप इसी बटन को दोबारा दबाएंगे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी और ये लाइट सारा फंक्शन इसका ऑफ हो जाएगा। ये देखें ये ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको पहन के देखें, इसको हम पहन के भी आपको दिखा देते हैं कि किसी को मालूम ही नहीं होगा कि आपने कोई कैमरा वाली वॉच पहनी या आप किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं फिर यहाँ पे बता दूँ कि इस वॉच को आपने पॉजिटिव यूज़ करना है। अगर आप किसी के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, या पैसों की लेन देन कर रहे हैं, तो आप इस कैमरा को ऑन कर लें, ठीक है। आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसकी बातों की रिकॉर्डिंग करें, ताकि बाद में कोई आप उसके पास जाएँ तो वो मुकर ना जाए, ठीक है। अगर वो मुकरता है तो आपके पास ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह, इसको मैं दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये ऑन हो चुका, ठीक है। आप इसको जैसे मर्जी जिधर मर्जी लेकर जाएं, ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ठीक। इसको दोबारा ऑफ कर लेते हैं,
ये ऑफ होगी। इसको उतार के ना आपको सिस्टम के साथ लगा के दिखाएंगे कि उसमें इसकी चार्जिंग कैसे होती है। मैं अभी इसको लैपटॉप के साथ लगा रहा हूँ। अभी ये जो यूएसबी वाली साइड है ये मैं लैपटॉप के साथ लगाने लगा हूँ। इसको लैपटॉप के साथ लगा लेते हैं। मैंने इसकी डाटा केबल लैपटॉप के साथ लगा लिया। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, इसका मतलब है ये कि चार्जिंग हो रही है। ठीक है, चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, मतलब कि वो ब्लिंक नहीं करेगी, उससे ये मालूम हो जाता है कि इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो इसकी जो वॉच की चार्जिंग है वो अगर आप इसमें वीडियो वगैरह यूज़ ना करें या कोई तस्वीरें वगैरह ना बनाएं तो तकरीबन एक महीना आराम से निकाल जाती है। ठीक है, और अगर आप इसको फुल चार्ज करके इससे आप वीडियो बनाएं या तस्वीरें बनाएं तो तकरीबन 3 घंटे इसकी टाइमिंग है। 3 घंटे टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं आपको और भी चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि इसके ऊपर और क्या क्या है। यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है IR 1080p। ठीक है, इसका इंफ्रारेड कैमरा भी है और 1080p इसकी वीडियो का प्रिंट है। ठीक है, यहाँ भी देख लें, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कैमरा है, इंफ्रारेड है, रिकॉर्ड और वीडियो, मतलब कि आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी डाटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। वीडियो फॉर्म इसकी AVI है। उसके बाद वीडियो कोडिंग JPEG, ये अक्सर जो है ना आपकी जो YouTube की वीडियोज़ होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उसके रेजोल्यूशन देख लें 1920x1080p। पिक्चर फॉर्मेट्स का देखें JPEG में है। और बाकी इसमें बैटरी देख लें, हाई कैपेसिटी पॉलीमर लिथियम बैटरी। अगर इस वॉच की मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी 8GB है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।